हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ट्राई आउट करूँगी ये। दिस इज लैक्मे 925 फाउंडेशन प्राइमर प्लस मैट। ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, कुछ टाइम पहले। न्यूली लॉन्च नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। तो अभी मुझे ये मिल पाया एंड मैंने ऑनलाइन मंगाया, तो आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, मेरा शेड होगा भी या नहीं। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है ये। तो द एम आर पी फॉर दिस इज 475 रुपीज़ एंड मैंने जो अपना शेड लिया है दैट इज N200 न्यूट्रल न्यूट। या मैंने अपना फेस थोड़ा सा प्राइम एंड कलर करेक्टिंग कर लिया है। कंसीलर मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज इसका कवरेज जज करना है। कंसीलर मैं बाद में यूज़ करूँगी, जनरली मैं फाउंडेशन से पहले यूज़ करती हूँ, बट आज बाद में करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस। शेक वेल। इट हैज़ अ स्पैचुला लाइक दिस, तो एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है, आपको अपने फिंगर्स नहीं करने पड़ेंगे। ओके, नाउ आई एम गोना टेक अ बफिंग ब्रश लाइक सो एंड आई एम गोना ब्लेंड दिस इन। इट हैज स्मेल काइंड ऑफ लाइक फेविकॉल एक्स मिली मिक्स विद द फूल। शेड मैचेस मी वेल अभी तक, तो आई फील कि ठीक है, बस ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम गोना यूज दिस ओनली एज माई कंसीलर टूडे, जस्ट टू सी कि ये लेयर अप कर सकते हैं या नहीं। तो आई एम अप्लाइंग अंडर माई। ओके गाइज, बी लिटिल अवेयर ऑफ दिस बिकॉज ये गिर भी रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेकिंग अ लिटिल डेंस ब्रश टू ब्लेंड माय कंसीलर। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जैसे अच्छा खासा कवरेज मुझको मिल गया है। फुल कवरेज नहीं है बट शियर भी नहीं है, इट्स समवेयर लाइक इन बिटवीन लाइक मीडियम टू फुल कवरेज, अच्छे से ब्लेंड हो गया और थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ही है, तो इजीली ब्लेंड हुआ। ऐसा भी नहीं कि बहुत थिक हो और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, इजीली ब्लेंड हुआ है। ओके, इसको अब थोड़ा सा पाउडर करके देखते हैं कि क्या होता है। एंड फॉर माय पाउडर आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। आई एम टेकिंग दिस फैट powder brush from Wet n Wild and I am gonna dust it on my eye, even all over my face, just to set the foundation. So yes guys, ये मुझको अभी तो ये ठीक लग रहा है, बट आई जस्ट होप कि ये ऑक्सीडाइज ना हो। तो चलिए मैं आपको बाकी का मेकअप करने के बाद मिलती हूँ कि हाउ इट सेट ऑन माई स्किन। सो गाइज, आई एम बैक। मैंने अपना बाकी का मेकअप कंप्लीट कर लिया। आई हैव यूज्ड ब्लश, हाइलाइटर एंड लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोरिंग। तो दिस हैज परफॉर्म्ड वेरी नाइसली और ऑक्सीडाइज भी ये नहीं हुआ जो मुझे डर था। इट हैजंट ऑक्सीडाइज एंड इट हैज़ वेरी नेचुरल फिनिश टू इट। बहुत हैवी नहीं लग रहा है, वेरी नेचुरल फिनिश ओनली। तो आई एम लाइकिंग इट एंड आप मुझे ये फ्रीक्वेंटली अब आप मुझे ये यूज़ करते हुए देखेंगे मेरे मेकअप लुक्स में। ओके, सो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में मैं बता देती हूँ। द नेट वॉल्यूम फॉर दिस इज 25 ml एंड MRP इज 475 एंड शेड्स इसमें आई गेस 16 शेड्स अवेलेबल हैं। एंड कैसे, सो आई एम इन द शेड N200, ये मैंने पहले बता दिया। सो इट्स
इतने ज़्यादा इसमें शेड्स हैं कि आप वैरायटी शेड्स की अवेलेबिलिटी है कि आपको अपना शेड जहाँ तक है मिल ही जाएगा. एंड फिनिश इज ऑल्सो क्वाइट नाइस, बहुत नेचुरल है. तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. एंड रिसेंटली ये थोड़ा कुछ डिस्काउंट पे भी होगा नायका पे, मैंने नायका से ही लिया था. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज मैंने खुद भी नायका से लिया था एंड करेंटली कुछ ऑफर है. सो यू कैन, इफ़ यू वॉन्ट टू, यू कैन ऑल्सो जस्ट गिव इट अ ट्राई. सो गाइज, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. तो मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ जल्दी ही मिलूंगी. टिल देन, बाय बाय.